अस्सलाम वालेकुम, अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। गर्मी लोड शेडिंग से सताई हुई पाकिस्तानी कौम के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए, आप यकीन करें कि पसीने जा रहे हैं एबटाबाद जैसे शहर में भी, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बाकी शहरों की क्या हालत होगी। मैंने पहले भी एक उसमें मैं, क्योंकि लाइट नहीं, यूपीएस काम छोड़ देता है, मुश्किल ये जो लाइट मैं कैमरे के लिए इस्तेमाल करता हूँ ये काम करती है। तो खैर, अब ये देखे ना, वो गाना याद आ रहा है, पक्षी शीशे वाली चलना। अच्छा, शीशे वाली पक्षी तो चलता ही रहूँगा। असल बात ये है कि जनाब, अब एक और कहानी सुनिए कि यूएई में अब अंदरून खाना ये एक किस्म के फैसला कर लिया गया है कि वहाँ पर हफ्ते और इतवार की हफ्तावार तातीलात जो है वो मनाई जाएँ, यानी जुमे और हफ्ते की छुट्टियाँ ख़त्म करके और हफ्ते और इतवार की छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाए। याद रहे कि अप्रैल के आखिर में इस तरह की खबरें आई थी, फिर उसके बाद वहाँ की अथॉरिटीज़ ने उन खबरों की तरदीद कर दी थी मई में कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खबरों में ये खबरें बेबुनियाद हैं, ये है वो है। लेकिन अब उनके जो नए दोस्त हैं, आप समझते हैं मेरा इशारा किस जानब है, उनकी जानब से भी, कुछ दीगर मगरबी ममालिक की जानब से भी उनको ये कहा जा रहा है, बावर कराया जा रहा है कि अगर आपने इंटरनेशनल इकॉनमी के साथ मुंसलिक होना है तो चूँकि आप, क्योंकि हफ्ता और इतवार पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज वहाँ के आलमी दफातर वगैरह बंद रहते हैं, तो आप जो है वो दो दिन खो देते हैं, ख़ास तौर पर हफ्ते वाले दिन, तो चलें आपके यहाँ भी तातील होती है, एक दिन तो आप डेफिनेटली खो देते हैं इतवार वाला दिन, क्योंकि आपके यहाँ इतवार को कारोबार ज़िंदगी चल रहा होता है, लेकिन बाकी ममालिक में ये बंद होता है। अब जो ताकतवर ममालिक हैं, जिस तरह सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई, अब यूएई की ताकत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि इनके नए दोस्त भी चाहते हैं कि इसको करें। अब जो फैसला किया गया है, इसका ऐलान किसी वक्त भी हो सकता है, मुमकिन है इसकी भी हुकूमत तरदीद कर दे, लेकिन मैं ज़राए को जिन्होंने ट्विटर पर वहाँ के साबिक आला सरकारी हुकाम, यूएई के साबिक आला सरकारी हुकाम ने ट्विटर पर ये ट्वीट किए हैं कि जी जल्दी ये खुशखबरी आने वाली है, और साथ में ये भी बताया है कि जुमे वाले दिन यानी जुमे को हाफ डे कर दिया जाएगा, हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी, जुमे का हाफ डे कर दिया जाएगा, यानी आपको 11:30-12 बजे छुट्टी दे दी जाएगी, क्योंकि ताकि आप नमाज जुमा अदा कर सकें और फिर उसके बाद। वैसे भी आप देखें तो जुमे को जिस तरह पाकिस्तान में दुकानें बंद होती हैं, उस तरह वहाँ पर सिर्फ नमाज जुमा के वक्त ही दुकानें वगैरह बंद होती हैं, बाकी तो सारे मामलात खुले के खुले रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैसला क्यों किया जा रहा है, तो सर मैंने आपको बताया है कि उन पर कुछ प्रेशर भी है और कुछ ये भी है कि जनाब आप दुनिया की इकॉनमी के साथ मुंसलिक रहने में एक दिन ज़ाया कर देते हैं, अब वो ये खबर देकर, ये फीलर छोड़कर वो एक रिएक्शन देखना चाहते हैं कि ये अवाम की तरफ से क्या रिएक्शन है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, वहाँ की अवाम का रिएक्शन यही होगा कि ये दुनिया के साथ वीकेंड मनाया जाए, सैटरडे संडे शुड बी द वीकेंड अलॉन्ग विद द अदर वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ की अवाम हमारी अवाम की तरह नहीं है कि जी जुमे की छुट्टी होनी चाहिए, हम नहीं ऐसा करने देंगे, जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाल रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आएंगे जुमे की छुट्टी के लिए, मौलवियों के कहे में आकर आग लगा देंगे, सड़कें ब्लॉक कर देंगे, गाड़ियों को आग लगाएंगे, पथराव करेंगे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा तो आप सोच भी नहीं सकते यूएई में। यूएई क्या, पूरे मिडिल ईस्ट में आप किसी जगह इस तरह के काम या इस तरह की हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक आज़ाद इकॉनमी के तौर पर, एक आज़ाद मुल्क के तौर पर, बाकी जो आपके कवानीन हैं उनका इस्लाम से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, पता नहीं कितना अरसा हो गया वहाँ पे सजाए मौत दी ही नहीं गई, वो भी मगरब का प्रेशर है, जना वहाँ पर जायज़ है, शराब वहाँ पर जायज़ है सवाए शारजा की स्टेट के, सरेआम शराब फरोख्त होती है, सरेआम बेहयाई और उसके अड्डे खुले हुए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या नहीं होता, मेरे भाइयों पाकिस्तान में क्या, दुनिया की हर जगह में सब कुछ होता है, हरमैन शरीफैन जैसे मुकद्दस जगहों पर, मक्का मुकरमा में भी जिन लोगों ने बुराई या गुनाह करना है वो करते हैं, मदीना मुनव्वरा में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जहाँ इंसान है वहाँ गंद है, बुराई ज़रूर है,
लेकिन पाकिस्तान में उसकी ताजीर भी है, वहां पर ताजीर ही नहीं है। अगर एक शख्स जना करते पकड़ा जाए कॉन्सेंट के साथ तो उसके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। इसी तरह एक शख्स शराब खरीद सकता है तो कानून इजाजत दे रहा है और बहुत से कवानीन है, तो जब आप उनको नहीं मानते, इस्लामी कानून नहीं है, तो फिर इस्लामी दिन की छुट्टी का क्या है? जुमे के दिन ठीक है, नमाज के 2-3 घंटे आप छुट्टी कर दें। मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूं कि पाकिस्तान में भी जुमे की छुट्टी को खत्म करना चाहिए। आप यकीन करें कि जनाब पाकिस्तान में सरकारी लोग जितनी मैं समझता हूं कि हड हरामी और उसका शिकार है, क्यों हम लोग सरकारी नौकरियां, सरकारी दफातर में काम ही नहीं होता। जिसने सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी हो, 12 बजे काम वाले दिन अस्तीने चढ़ा लेता है जी कि नमाज का टाइम हो, फिर 3 बजे वापस आता है, 3 बजे वापस आएगा, 4 बजे फिर अस्तीने चढ़ा, अब असर का टाइम है, सिर्फ लोगों को तकलीफ देने के लिए। ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा जिससे आवाम को तकलीफ हो? मैं ये नहीं कहता कि जुमे को बिल्कुल, लेकिन जुमे का जो दिन है 11 से 2 बजे तक आप, और दूसरा पाकिस्तान में एक और अलमी है, आप लोग मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान में नमाज का भी कोई एक वक्त नहीं है। एक मस्जिद में 1:45 होगी, एक में 1 होगी, एक में 1:30 होगी। मेरे एबटाबाद में जो लोग मेरे देखने और सुनने वाले हैं वो इस बात की गवाही देंगे, यहाँ पर 61 मस्जिद है, आप यकीन कीजिएगा वहां पर 2:40 पर दूसरी अजान होती है, खुतबा शुरू होता है और 3 बजे के करीब नमाज खत्म होती है जुमे की। और सर्दियों में 3:15, 3:20 या 3:30 बजे असर की अजान उसी मस्जिद में हो जाती है। अब एक यूनिफाइड होना चाहिए जो नमाज का जो औकात हैं बुनियादी तौर पर, तो ये हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, नज्म व ज़ब्त और सिखाना मकसूद होता है। बाजमात नमाज की मैं बात कर रहा हूँ, तज़किया नफ्स तो करती ही करती है, लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। हम नमाज के नाम पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं। ठीक है, जाएँ नमाज पढ़ें, 15-20 मिनट अपनी दुकान बंद करें, फ़ौरन वापस आएँ, दुकान खोलें, अपने कारोबार भी साथ करें। ये तो कहीं नहीं कहा गया कि जुमे वाले दिन बस आप शटर डाउन करके तो घर में लेट जाएं, नहीं, अपना कारोबार करें। अगर आपको छुट्टी दरकार है तो संडे की कर लें, चले जुमे की कर लें, का जो प्राइवेट लोग हैं। लेकिन हुकूमतों को मैं समझता हूँ कि दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे UAE हो। लिहाजा मेरा जाती अगर वोट होता तो मैं हफ्ते और इतवार की छुट्टी को देता, चाहे वो यहूदियों के कहने पर की जा रही है, ईसाइयों के कहने पर की जा रही है, किसी और के कहने पर की जा रही है। अगर उनके हक में बेहतर है तो बेहतरी का फैसला जो है वो अपने अवाम के लिए करना चाहिए, किसी को खातर में नहीं लाना चाहिए, अपने मुल्क के मुफाद को सामने रखना चाहिए। अगर इसमें UAE का मुफाद है तो गो फॉर इट। इसी के साथ गर्मी और लोड शेडिंग की इस शदीद सूरत हाल से मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।